नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, आपको मैं हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर प्रैक्टिस सेट पसंद ना आए तो वीडियो को एक डिसलाइक जरूर करना है, लेकिन आपको करना कुछ है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों पर जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। हिंदी में अच्छा स्कोर आपका जब ही होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट कराओगे। तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा है, तो भुजंग शब्द का समानार्थी हो जाएगा सर्पनाग। क्या हो जाएगा, सर्पनाग, ये भुजंग के समानार्थी हो जाएंगे। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या दो है आपके सामने कि मृदुला गर्ग की उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मृदुला गर्ग जिनका जो उपन्यास है मिलजुल मन, तो इसके लिए उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो कौन सा है, तो इस वाक्य में विशेषण हो जाएगा पीले। क्या हो जाएगा, पीले हो जाएगा। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्ली का बहुवचन। तो बिल्ली का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्लियाँ। क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ हो जाएगा। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या पाँच है आपके सामने की परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। तो किस कथाकार की है ये कहानी परिंदे, तो परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की। किसकी है, निर्मल वर्मा की ये कहानी है परिंदे। तो पाँच का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या दस है आपके सामने को रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन नहीं जाई प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा अलंकार है बताइएगा, तो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन ना जाए, इसमें जो अलंकार है वो अलंकार हो जाएगा अत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा, अत्यानुप्रास अलंकार। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने की सदैव शब्द का विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, सदैव शब्द का संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा सदा प्लस एफ। क्या, सदा प्लस एफ। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की बूंद आघात सही गिरी कैसे खल के बचन संत रहे जैसे इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है बताइए। तो कौन सा अलंकार है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इस प्रश्न में अलंकार है दृष्टांत अलंकार। कौन सा है, ये दृष्टांत अलंकार है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने के निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानें। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तो चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और बताइएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया ये शुद्ध वाक्य है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी।
प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। सबकी एक सी दशा है। प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? तो कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी इसके लिए उचित, यानी सबकी एक सी दशा है इसके लिए उचित लोकोक्ति हो जाएगी, घर घर मटियाले चूल्हे हैं। क्या? घर घर मटियाले चूल्हे हैं, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सबकी एक सी दशा है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी रचना राज्ञी राघव की रचना नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है बताइएगा प्रश्न संख्या 15 में। तो जीवन के पहलू, ये राज्ञी राघव की रचना नहीं है, बाकी अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, ये तीनों रचना हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि खगा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आ जाएगा जो सही अर्थ बनाएगा, लोकोक्ति का पूरा करेगा? खगा चला हंस की चाल, हंस रहे ना कागा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो कौन सा काल है कि तुम बैठो मैं अभी आया? तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। कौन सा आ जाएगा? वर्तमान काल। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? कौन सा नहीं है नदी का समानार्थी? तो बारी, ये नदी का समानार्थी नहीं है। आप जानते कि बारी ये होते हैं पानी का पर्यायवाची। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि महाराष्ट्र में गणित उत्सव की .. रही है, दी गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में गणित उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि महादेव वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यानी कौन सी रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो कौन सा यानी गलत बताना है। तो आप जानते हैं गुप्त का होता है प्रगट, कुटिल का होता है सरल, गुरु का होता है लघु, अब दोस्त का सका, ये तो सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द मान लीजिएगा तो ये होगा, दोस्त का होना चाहिए तो दुश्मन, तो ये विलोम शब्द हो जाता है। नहीं, किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? आधुनिक जो आर्य भाषा हैं इनका जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में तीव्र का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो तीव्र का जो विपरीत अर्थक शब्द होगा वो हो जाएगा मंद। कौन सा हो जाएगा? मंद हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है, कौन से शब्द में त्रुटि है बताइएगा? तो यहाँ पर जो त्रुटि हो जाएगी वो किस में है? तो त्रुटि हो जाएगी भारत, भारत में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत दिया गया है और के साथ ये विराम चिन्ह लगा दिया, तो यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि डिब्बा के शब्द का एक वचन है, तो किसका है? तो डिब्बा का वो जो बहुवचन होता है वो होता है डिब्बे। तो आप जानते हैं कि डिब्बा का जो एक वचन होगा यहाँ पर डिब्बी, तो यहाँ पर एक वचन पूछा है
तो डिब्बे का तो एक वचन होगा, ये बहुवचन शब्द दिया गया, तो डिब्बे का वचन हो जाएगा डिब्बा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 26 है, आपके सामने आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 26 का राइट आंसर बताइएगा आलोचना करना, तो इसके लिए हो जाएगा टीका टिप्पणी करना, 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है उल्टी माला फेरना, तो ये दर्शाता है किसी का बुरा सोचना, 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 28 से आपके सामने की मानव आदिकाल से ही डॉट डॉट के डॉट डॉट पर चला आ रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, इसके लिए कौन सा विकल्प है सही हो जाएगा, बताइएगा भरिएगा उसका राइट आंसर बताइएगा। मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, तो प्रगति के पथ पर हो जाएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 से आपके सामने की दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये है प्रतीप अलंकार, किसका प्रतीप अलंकार, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 30 है आपके सामने की शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, तो कौन से विकल्प को दर्शाता है दांत, तो दांत दर्शाता है पुल्लिंग शब्द को, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने के निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है, हर युग से जनता रामराज के आने के स्वप्न देखती आई है, तो कौन से भाग में त्रुटि है प्रश्न संख्या 31 में, तो हर युग में होना चाहिए था, ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है, तो किसका समानार्थी शब्द है सुधाकर, तो सुधाकर जो समानार्थी है वो है चांद का, है नहीं चंद्रमा का, तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि जिसके पास कुछ ना हो वह डॉट डॉट कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अकिंचन, क्या अकिंचन कहलाता है जिसके पास कुछ ना हो, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि मिर्जा गालिब के शासक के दरबारी कभी रहे थे, तो किसके दरबारी कभी रहे थे मिर्जा गालिब, जो मिर्जा गालिब ये दरबारी कभी रहे थे बहादुर शाह जफर के, किसके बहादुर शाह जफर के दरबारी कभी, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 35 है आपके सामने कि श्री कृष्ण की भक्ति ही डॉट डॉट है अन्य सब डॉट डॉट दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके हृदय स्थान को भरकर प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण कीजिए, तो पूर्ण करना है, तो श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है अन्य सब मिथ्या, यानी 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है, क्या है, तो जो हस्ताक्षर शब्द है वो है एक वचन, क्या है एक वचन, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि मैंने अपने घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इस वाक्य में मटमैला शब्द क्या है, तो क्या है, तो मटमैला है जो ये है एक विशेषण शब्द, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 38 है आपके सामने कि दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए, तो मैं बताइए इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता, और 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या
39 है आपके सामने कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, तो पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा पंडितायन। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। फिर संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के सेट। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए, तो बताइएगा इनमें से कौन सा है विभावना शब्द का अलंकार, यानी विभावना का अलंकार इन चार विकल्पों में से कौन सा है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। तो प्यारे साथियों ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।